बिस्मिल डूइंग गुड सो चैप्टर एट केमिकल रिएक्टिविटी का आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ रियक्टिविटी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सेवनटीन ग्रुप सेवनटीन जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है उनके एलिमेंट्स को हम कहते हैं हेलोजें मीन्स सॉल्ट फॉर्मिंग इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं हमारे पास वो है फ्लोरिन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड एस्टेटीन एस्टाटीन बहुत अनस्टेबल एलिमेंट है सो फिजिकल स्टेट्स ऑफ हेलोजेंस मीन्स के थ्री जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस तो हेलोजेंस भी डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है इसमें से जो फ्लोरीन है इट एग्जिस्ट इन गेशियस स्टेट फ्लोरीन गैस गैस gas की फॉर्म में प्रेजेंट होता है क्लोरीन भी गेशियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है गैस है क्लोरीन ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है आयोडीन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है अब ये डिफरेंट स्टेट्स क्यों होती हैं ये इसलिए होती हैं क्योंकि इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो उन पे डिपेंड करती हैं इनकी फिज़िकल स्टेट क्योंकि गेशियर स्टेट में जो मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है मोलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर प्रेजेंट होते हैं तो जब मोलिक्यूल दूर प्रेजेंट होते हैं एक दूसरे से तो उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं इंटरमीनस बिटवीन और मोलिक्यूलर मीन्स मोलिक्यूल्स तो मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो वीक हों तो वो चीज़ गेशियर स्टेट में एग्जिस्ट करती है सो so, फ्लोरीन के मोलिक्यूल्स में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं सो इट एग्जिस्ट इन गेशियर स्टेट क्लोरिन में भी सेम है इनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज वीक होती हैं ब्रोमीन में जाके ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेज थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं इंक्रीज़ होती है जिससे मोलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं सो so, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं जबकि सॉलिड स्टेट में मोलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड जिसकी वजह से उनके बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती हैं सो आयोडीन में भी यही केस है कि आयोडीन के जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्ट्रोंग फोर्सेज प्रेजेंट है जिनकी वजह से मोलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है सो so, आपके बुक में टेबल है एट इसमें फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन है हेलोजेंट्स की जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपके पास एलिमेंट्स हैं इनके सिंबल्स सेकंड कॉलम में इनके एटॉमिक नंबर हैं थर्ड कॉलम में इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मेंशन है नेक्स्ट में कलर देन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं एलिमेंट्स की एबिलिटी की वो कितना स्ट्रॉगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है डिफरेंट जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज हैं जिसकी जितनी ज्यादा वैल्यू होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ सो so यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट हैलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इसकी स्टार्ट में वैसी है जैसे कि हीलियम की होती है वन एस टू टू एस टू उसके बाद है टू पी फाइव सो हीलियम में टोटल uh, टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वन एस टू होती है सो so, यहाँ पे वन एस टू के बजाय इन्होंने एच ई हीम मैंशन किया हुआ है मीन्स के इसकी स्टार्ट से हीलियम जैसी होती है तो यहाँ पे यहाँ पे आप वन एस टू भी मैंशन कर सकते हैं देन टू एस टू है टू पी फाइव तो टू एस टू और टू पी फाइव ये दोनों सेकेंड शेल के एलिमेंट्स हैं क्योंकि इनके साथ टू टू लिखा हुआ है टू रिप्रेजेंट करता है इनके साथ जो भी नंबर लिखा होता है सब शेल्स के साथ वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सो इट मीन्स के अगर हम ये टू टू जितने भी हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स टोटल करें तो ये सेवन इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं टू एस टू टू बी फाइव सो फाइव प्लस टू मीन्स सेवन सो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कलर फ्लोरीन का पेल येलो कलर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट इसका फिफ्टी थ्री है बॉइलिंग पॉइंट एटी फाइव है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है पूरे प्रोडिक टेबल में जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है फोर नेक्स्ट एलिमेंट इज क्लोरीन क्लोरीन का टॉमिक नंबर होता है सेवनटीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी स्टार्ट से नियॉन की तरह होती है और देन थ्री एस टू थ्री पे फाइव आ रहा है इसमें थ्री शेल्स प्रेजेंट है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एंडिंग थ्री पी हो रही है इट मीन कि इसमें थ्री शेल्स प्रेजेंट है और थर्ड शेल के जो टोटल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स है वो हैं फाइव प्लस टू टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी प्रेजेंट है इसका कलर ग्रीनिश येलो कलर होता है जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पिक्चर में ग्रीनिश येलो कलर का होता है होती है ये गैस और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फ्लोरीन से थोड़ा सा ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी लो होती है फ्रॉम द फ्लोरीन नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास है ब्रोमीन अटोमिक नंबर इसका थर्टी फाइव है इसके इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन स्टार्टिंग से आर्गोन की तरह होती है आर्गोन जो कि नोबल गैस है हीलियम ये सब नोबल गैसेस हैं और इसमें फोर एस टू फोर पी फाइव पी इसके इलेक्ट्रॉनिक इंफिग्रेशन एंड हो रही है इट मीन कि इसमें टोटल फोर शेल्स प्रेजेंट है और इसके बैलेंस शेल में भी सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ये रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और उसका कलर होता है रेडिश ब्राउन मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसका फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों से हाई होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इसकी की थ्री है सो so, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इसलिए इंक्रीज हो रहा है डाउन द दा ग्रुप क्योंकि इनमें फोर्सेस जो हमने देखे अभी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो स्ट्रांग होती जाती हैं इंक्रीज होती जाती हैं जिसकी वजह से मेल्टिंग और बॉलिंग पॉइंट भी हाई होता है क्योंकि मेल्टिंग बॉलिंग पॉइंट्स डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे अगर स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं तो मेल्ट करना और बॉयल करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए होता है नेक्स्ट मेंबर इस ग्रुप का है आयोडीन फोर्थ पोजिशन पर होता है इस ग्रुप में इसका टॉमिक नंबर है फिफ्टी थ्री इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट से इसकी क्रिप्टॉन की तरह होती है जो कि नोबल गैस है और एंडिंग इसकी हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की फाइव एस टू फाइव पी फाइव पे इट मीनस कि इसमें टोटल पाँच शेल्स प्रेजेंट हैं और इसके वैलेंस शेल में जो फिफ्थ शेल है उसमें टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन्स है इट मीन्स के हेलोजेंट जितने भी हैं जितने भी सेवनटीन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इन सब के वैलेंस शेल में सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं कलर इसका पर्पल ब्लैक कलर का होता है आयोडीन और ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स इसका फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन सबसे हाई होता है क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और सॉलिड के मोलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं सो so, उनको मेल्ट करना या बॉयल करना डिफिकल्ट होता है उसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इसकी बाकी ग्रुप मेंबर्स से लो होती है और यह है टू पॉइंट सेवन सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल सब जितने भी अभी हमने एलिमेंट्स देखे इन सब एलिमेंट्स में जो लास्ट में शेल है उसमें सेवन सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सो so जनरली जो इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती उसकी है उसकी उसको एन एस टू एन पी फाइव से रिप्रेजेंट किया जाता है एन नंबर सब का चेंज है फ्लोरीन में एन की जगह टू लगा हुआ है क्लोरीन में थ्री आता है ब्रोमीन में फोर और आयोडीन में फाइव हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट स्पीशी है क्योंकि इनके वैलेंस शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और इनको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहा जाता है एंड दे कैन रेडिली एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सो ये क्योंकि ये नॉन मेटल्स हैं सेवेंटीन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल्स हैं सब के सब और इनके पास एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि नॉन मेटल जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं नॉन मेटेलिक करेक्टर होता है इनमें विच मीन्स के दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आइन तो हेलोजेंट्स में भी ऐसा ही है कि जितने भी हेलोजेंट्स हैं वो वन वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नेगेटिव आइंस में कन्वर्ट होते हैं वन इलेक्ट्रॉन क्यों एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इनके वैलेंसर में टोटल सेवन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और इनको एक और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं और दे कैन शेयर एंड इलेक्ट्रॉन विद अदर नॉन मेटल सो अपनी इस डेफिशेंसी को कम फुलफिल करने के लिए ये दो काम करते हैं या तो मेटल में से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे कि एनएसएल हमने मोलिक्यूल पढ़ा था आयनिक कंपाउंड में एन ए वन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्लोरीन को और क्लोरीन वो वन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो या तो अगर नॉन मेटल्स met, uh, के साथ अगर ये रिएक्ट करते हैं तो उनसे ये वन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं लेकिन अगर किसी नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन शो करते हैं तो नॉन मेटल्स में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशेंट होती हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं सो नॉन मेटल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग दो तरह से होती है अगर ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है और अगर ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं और इनके बीच में कोविलेंट बॉन्ड बनता है सो so, एलोजेंट जो है ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं विद मेटल्स और कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद नॉन मेटल्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग